भारतीय नववर्ष व चैत्र रामनवमी पर्व पर शनिवार को बारीपुर मंदिर में गोपाल दास जी महाराज के द्वारा पूजन व हनुमान चालीसा पाठ के बाद भव्य शोभा यात्रा को अन्य स्थानों के लिए प्रस्थान कराया गया, जिसके बाद पूरे हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा बारीपुर मंदिर से शुरू होकर गड़े टेकुआ करंदी बढ़िया फुलवरिया बरौली बारादीक्षित सहित विभिन्न स्थानों से होते हुए सरयू तट बरहस तक पहुंची। बरहस से फिर कई बाजारों व चौराहों से होती हुई यह शोभा यात्रा भलुवनी पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। इस शोभा यात्रा के आयोजक प्रमोद मिश्र ने शोभा यात्रा के माध्यम से सभी को जागरूक करते हुए चैत्र रामनवमी को भारतीय नववर्ष मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति को दबाकर अंग्रेजी संस्कृति थोप दी गई, जिसका हम सभी बड़े गर्व से अनुसरण करते हैं। अब अंग्रेजों द्वारा लागू की गई आधुनिक संस्कृति का त्याग आप सभी अपनी सनातन और भारतीय संस्कृति को अपनाकर चैत्र माह के प्रथम दिन को नववर्ष मनाना शुरू करें। अपने बच्चों व परिवार के लोगों को भी भारतीय संस्कृति व नववर्ष की जानकारी दें, क्योंकि इसी उद्देश्य से हर वर्ष यह शोभा यात्रा निकाली जाती है।